अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की तस्वीर को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल ये देखा गया है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के पोस्टर ग्वालियर में लगाए गए हैं वहां पर माधवराव सिंधिया की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे के दौरान जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें माधवराव सिंधिया की तस्वीर मौजूद है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। माधवराव सिंधिया जी ने अपनी अंतिम सांस भी कांग्रेस में ली। कांग्रेस उनकी सदैव जो है, चाहे वो पुण्यतिथि हो चाहे वो उनकी जयंती हो, हम लोग तो मनाते आए हैं, लेकिन ये लोग जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए कभी सरदार पटेल को ले आते हैं, कभी ये जो है गांधी के हत्यारे हैं और गांधी जी को पूज मानने लगते हैं, ये जो है अवसरवादी लोग हैं और इनको लग रहा है कि अब चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए हैं हमारे साथ तो माधवराव सिंधिया के करे हुए कर्मों का भी लाभ हम उठा लें, इसलिए उनने जोड़ लिया है। कांग्रेस क्यों बोल रही है, कांग्रेस के बैनर पोस्टर्स लगा रहे हैं माधवराव सिंधिया? कांग्रेस कार्यालय में उनकी प्रतिमा लगी है, डेली माला चढ़ती है, कांग्रेस जो है जयंती भी मनाती है, उनकी पुण्यतिथि भी मनाती है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, वर्तमान में जो पोस्टर लगे उनके कार्यकर्ताओं ने लगा दिए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम पूरा उनको सम्मान देते हैं बराबर। यह इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेताओं का काल पड़ चुका है। और जब भी हमारी पार्टी के नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को उन्होंने अपने राजनैतिक कद को बढ़ाने के लिए उपयोग किया है, अन्यथा कोई कारण नहीं था। माधवराव सिंधिया जी मरणोपरांत तक कांग्रेस के नेता रहे हैं और जितना भाजपा से उन्होंने लड़ाई लड़ी है शायद भारतीय जनता पार्टी उनको ही याद कर लेती तो बेहतर होता, और आज उनका फोटो लगाना ये कांग्रेस का सम्मान बढ़ाना है। ये पहली बार हुआ है, ये हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस के नेता को आज भाजपा ने भी अपना नेता मान लिया। जोड़ तोड़ की राजनीति में महारत हासिल करने वाली भाजपा आज पूरे देश भर में अपना मूल DNA खो चुकी है। आज भाजपा की अपनी कोई भी विचारधारा नहीं बची है। सरकार बनाने के लालच में जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करके अपने मूल DNA से हाथ धो बैठी भाजपा, आज पश्चिम बंगाल में जाए तो TMC भाजपा है, मध्य प्रदेश में देखें तो भाजपा का सबसे बड़ा आधार आज कांग्रेस के गए हुए नेता, जिनको कांग्रेस ने अपने पार्टी से निकाल दिया, ऐसे नेताओं की दम पे आज भाजपा पूरे देश भर में राजनीति करने पर मजबूर है। भाजपा का मूल DNA खत्म। यह कांग्रेस की तरह एक परिवार आधारित पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें 11 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ही नेता है और प्रत्येक नेता ही कार्यकर्ता है। नेताओं का टोटा किसके पास है ये पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश जानता है। विश्व की एक लौती पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसके पास पिछले 2 वर्षों से अपना स्वयं का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर आप स्थिति देखेंगे तो एक बूढ़े कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये अभी भी जो है सिंधिया जी के फोबिया से ग्रसित लोग हैं और यही कारण है कि बार बार कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लेते हैं, कभी माधवराव सिंधिया जी का नाम लेते हैं। पर जिस तरीके से सिंधिया परिवार को लगातार कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया है ये जनता से छुपा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये कहा है कि शायद बीजेपी के पास नेताओं की कमी है और इसी के कारण उन्होंने हमारे नेता माधवराव सिंधिया की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि हम एक ही परिवार से अपनी पार्टी नहीं चलाते हैं, बीजेपी का मतलब है सबका साथ सबका विकास। प्रभासाक्षी के लिए मैं सुयश भट्ट, भोपाल।